नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PTT सेकंड काउंसलिंग के बारे में और जो अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई किया था तो उनके बारे में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जो इसमें डेट दी गई है 15/12/2020 का, अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात महाविद्यालय आवंटन तथा गैर आवंटित अभ्यर्थियों महाविद्यालय आवंटन की सूचना का। तो इसमें जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्शन हो गया था और जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई किया था उनका, और जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्शन नहीं होने के बाद में जो सेकंड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनकी जो डेट है वो 15/12/2020 आज की डेट दी गई थी। तो आज की डेट में देखते हैं कि अभी तक जो स्टेटस क्या है और आपको जो इसका रिजल्ट है वो कहाँ मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा, तो वो सारा इस वीडियो में आपको शुरू से आप देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप अंत तक ज़रूर देखिए वीडियो को, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 15/12/2020 की तारीख दी गई थी अपवर्ड मूवमेंट के लिए, और जो सेकंड काउंसलिंग की डेट है वो भी 15/12/2020 को दी गई थी। लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है कि आज 15/12 हो चुकी है और अभी समय हो गया है 7:05, तो अभी तक कोई भी स्टेटस वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। और 13 तारीख तक जो पिछले जो विकल्प दिए गए थे वो विकल्प 13 तारीख को हटा लिए गए थे, और अभी तक वहाँ पे कोई नया विकल्प नहीं दिया गया है। तो जो भी विकल्प आएगा वो, अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वहाँ पे एक नया विकल्प, नया लिंक शो किया जाएगा और वहाँ से आप अपना देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ पे अपना रिजल्ट देखना है और आप कहाँ से अपनी जानकारी ले पाएंगे। तो आज की डेट दी गई थी, तो ये सेकेंड ईयर जो बीएड का है पीटीट का, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में जो नेक्स्ट पेज आएगा, इस पेज पे ही पहले 13 तारीख से पहले यहाँ पे जो कॉलेज स्टेटस का था वो विकल्प दिया गया था, और जो स्टूडेंट के स्टेटस का रीप्रिंट का सारा दिया गया था। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये दिया गया था, यहाँ 13 तारीख से पहले यहाँ पे विकल्प दिया गया था जो अभी रिमूव कर दिया गया है। और जो अपवर्ड मूवमेंट का आएगा वो रिजल्ट का जो भी स्टेटस होगा वो यहाँ पे एक नया लिंक यहाँ पे दिया जाएगा जो अपवर्ड मूवमेंट से रिलेटेड होगा और जो सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड होगा, यहाँ पे नया विकल्प आएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना स्टेटस जान सकते हैं कि आपको सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉटमेंट हुई है या नहीं हुई है, और अपवर्ड मूवमेंट में आपका स्टेटस क्या रहा है। तो दोस्तों अभी तक यहाँ पर कोई भी अपडेट शो नहीं हो रही है, जैसा कि अभी तक शाम के 7 बज चुके हैं, और उम्मीद यही है कि अगर आज नहीं आया तो कल आ जाएगा, और अगर कल तक नहीं आता है तो जैसे 18 तारीख तक का समय दिया गया है अपवर्ड मूवमेंट वालों का, और जो फर्स्ट काउंसलिंग में जिनका सिलेक्शन हुआ है तो उनको रिपोर्टिंग का, ऑनलाइन रिपोर्टिंग का, तो 18 तारीख तक का समय दिया गया है। तो हो सकता है कि 18 तारीख तक आ जाए, और अगर 18 तारीख के फिर बाद में आएगा तो यहाँ पे आपको एक नया विकल्प शो करेगा, तो यहाँ से दे सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पे कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।